हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जियो POS लाइट से रिचार्ज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जियो POS लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंस्टॉल मेरा हो चुका है। यहां से मैं ओपन कर लेता हूँ, आप पहले इसे इंस्टॉल करें उसके बाद ओपन करें। अभी यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसका न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे रिचार्ज पार्टनर और एक्टिवेशन पार्टनर में आप सिम और ये जो सुविधाएं हैं यह ले सकते हैं, जिसमें सिम ओपन जियो एक्टिवेशन कर सकते हैं और एक्टिवेशन एंड डिवाइस पार्टनर भी ले सकते हैं आप, और रेजिडेंट पार्टनर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको केवल रिचार्ज पार्टनर बनना है, तो मैं सिंपली रिचार्ज पार्टनर पर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि आपको भी पैन कार्ड और अगर आपको जियो एक्टिवेशन सिम वाली भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पैन कार्ड लगाना होगा। यहाँ पे आपको रिचार्ज पार्टनर पर क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट करेंगे। अभी आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे ही मैसेज आता है, यहाँ पर आपको वो मैसेज फिल करना है और मैसेज फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको इसे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको वर्क लोकेशन डालनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मैप पर हम आ चुके हैं, और आपको जो है अपनी जो लोकेशन है वह है जूम करके और एक सेटल कर देनी है लोकेशन पर। और जैसे लोकेशन पर आप नोटिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पिन कोड यह डाल देगा। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप दोनों पर टिक करेंगे, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद प्रोसीड। यहाँ आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप विथ जियो POS लाइट, आपका सक्सेसफुली साइन हो चुका है। अभी आपको डन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ चुका होगा, उस मैसेज में आपको जो है इसका स्टेटस बता दिया जाएगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको वही मोबाइल नंबर यहां पे आपको फिल करना होगा, उसके बाद यहां पे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपको यहां पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना एम पिन बनाना है। एम पिन वह होता है जिससे आप जब भी किसी का रिचार्ज करेंगे तो हर बार आपको यही एम पिन डालना होगा, और जब आप यह ऐप खोलेंगे तब भी आपको यही एम पिन डालना होगा। तो एम पिन आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हैं आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको रिचार्ज, लोड मनी और पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है। रिचार्ज पर क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। लोड मनी पर क्लिक करके आप इसमें बैलेंस जोड़ सकते हैं ऐड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 1000, 225, 500, 200 जितने भी आप इसमें पैसा ऐड करना चाहते हैं, जिसका आप बैलेंस खरीद सकते हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 करने के बाद सबमिट कर देता हूँ मैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें आप ऐड बैंक क्रेडिट डेबिट ATM और UPI और आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग और वॉलेट, इन सभी से आप पैसा यहाँ पे कर सकते हैं। इसे जैसे ही आप कर देते हो तो यहाँ पे यह 1000 आपका बैलेंस इस आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको जैसे कस्टमर का रिचार्ज करना है तो आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। रिचार्ज क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर का 10 डिजिट का नंबर डाल देना है, उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सभी प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें आप देख सकते हैं पॉपुलर प्लान्स में सभी प्लान्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे देख पाएंगे अगर 1.5 GB डाटा पर डे वाला आपको कस्टमर को रिचार्ज कराना है तो है आपको उस 1.5 GB वाले पर क्लिक करना है और सभी रिचार्ज जो हैं वो है आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो 2 GB पर डे अगर कस्टमर चाहता है तो उस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 GB पर डे वाले प्लान्स हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 GB पर डे और उसकी नेक्स्ट 2 GB, 3 GB पर डे वाला रिचार्ज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिज्नी प्लस हॉट स्टार का करना चाहता है तो
आप वो कर सकते हैं। सभी रिचार्ज यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद एनुअल जो प्लान है जो वार्षिक होते हैं वह कभी कर सकते हैं। अगर आप 4G डाटा बाउचर डालना चाहते हैं तो डाटा MB पैक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप नो डेली लिमिट वाले देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ISD आप रिचार्ज कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग रिचार्ज कर सकते हैं, रोमिंग। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लाइट पैक्स जो होते हैं वह भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से जो कस्टमर कराना चाहता है। आप टॉपअप करना चाहते हैं तो आप टॉपअप कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं वैल्यू, तो वैल्यू में भी आप जो इस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। आपको कस्टमर को कोई भी अगर रिचार्ज कराना चाहता है तो आप इन सभी से कहीं से भी जाके जो है कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी करंट में 1.5 GB का 239 का रिचार्ज अभी बेस्ट सेलर्स में बना हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो एम पिन आपने शुरुआत में बनाया था, हमने डबल बार कन्फर्म किया था, वही एम पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पे आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। चूँकि अभी इसमें वॉलेट में पैसे नहीं है इसलिए नहीं, नहीं।